राजस्थान में दिसंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब भाजपा और कांग्रेस को तीसरा मोर्चा चुनौती देता हुआ नजर आएगा। पिछले कई दिनों से प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट चल रही थी, जिसे अमली जामा पहनाया खींवसर से निर्दलीय विधायक और किसान नेता हनुमान बेनीवाल ने। राजधानी जयपुर में हनुमान बेनीवाल ने किसान हुंकार महारैली कर नई पार्टी की घोषणा की। बेनीवाल ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रखा है, जिसका चुनाव चिन्ह बोतल होगा। रैली के दौरान मंच पर भारत वाहिनी पार्टी के अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी और राष्ट्रीय लोकदल से जयंत चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी एक साथ दिखे। भारत वाहिनी पार्टी के अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि राजस्थान में कुशासन को मिटाने के लिए हम एक साथ आ रहे हैं। जहाँ प्रतिवर्ष 1,00,000 युवाओं को रोजगार, किसानों का ऋण माफ करके प्रदेश को खुशहाली की ओर लेकर जाएंगे, हम सभी मिलकर राजस्थान की धरती पर लठ गाड़ेंगे। वहीं मंच पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने भ्रष्टाचार कर लूटने का काम किया है। अब हम एक साथ लड़कर सत्ता में आएंगे और भाजपा और कांग्रेस के घोटालों की जांच कर उन्हें जेल में भेजने का काम करेंगे। इसी के साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। युवाओं के साथ छलावा, सरकारी कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं माना गया। इसी के साथ बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की राजनीति में उन्होंने भगत सिंह की भूमिका में लड़ाई लड़ी है और अब यदि हर युवा भगत सिंह और महिलाएं झांसी की रानी बनकर चुनाव में सरकार के खिलाफ लड़ेंगे तो ये दोनों पार्टियां साफ हो जाएंगी। हम बीजेपी और कांग्रेस में वोट को बंटने नहीं देंगे। तीसरे मोर्चे के गठन के बाद चुनाव में टिकट वितरण को लेकर घनश्याम तिवाड़ी और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जल्दी सब एक साथ मिलकर टिकट वितरण पर चर्चा करेंगे और राजस्थान में जीत का परचम लहराएंगे। गौरतलब है कि बेनीवाल और घनश्याम तिवाड़ी भाजपा के ही दिग्गज नेता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मोर्चे की घोषणा के बाद हनुमान बेनीवाल कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर थिरकते हुए नजर आए। आम आदमी को फायदा हो सकता है। ये काम कौन करेगा? ये काम